iOS 17 के बारे में कुछ और नए लेटेस्ट रूमर्स निकल कर आए हैं, जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि एप्पल जो है iOS 17 रिलीज करेगा उसमें एक बहुत बड़ा पैकेज होगा ऐप अपडेट्स का और यहाँ पर UI फीचर्स का सब कुछ बदल कर आएगा। तो उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, अब इस वीडियो में कुछ और नई जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं कुछ और नए फीचर्स के बारे में। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या वो फीचर्स आने वाले हैं एप्पल की तरफ से iOS 17 के अंदर। तो जैसा कि लॉक स्क्रीन का फॉन्ट साइज है उसको भी हम लोग चेंज कर पाएंगे, अभी जो फॉन्ट साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं जैसा कि अभी स्लाइडर देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले अपडेट्स के साथ में आपको कुछ इस तरीके का स्लाइडर फॉन्ट साइज का भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ लॉक स्क्रीन को भी आप शेयर कर पाएंगे किसी और अदर फ्रेंड के साथ में, जो अभी नहीं कर सकते हैं, इसका कोई अभी फीचर्स नहीं है, लेकिन अगले अपडेट iOS 17 में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ में मीमोजी वॉलपेपर भी आप यूज़ कर पाएंगे जो कि अभी नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको मीमोजी वॉलपेपर सेटअप करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा iOS 17 के अंदर। एप्पल म्यूजिक लिरिक्स को आप लॉक स्क्रीन पर भी रीड कर पाएंगे, ये फीचर्स भी एप्पल म्यूजिक में देने वाला है iOS 17 के अंदर। इसी के साथ एप्पल म्यूजिक की जो UI है उसमें भी आपको नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस तरीके के बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को मिले, क्योंकि ये जो एप्पल लीक्स हैं वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल लीक्स होने वाली हैं iOS 17 के लिए। कंट्रोल सेंटर की डिज़ाइन भी वो यहाँ पर रीडिज़ाइन होने वाली है। इसी के साथ रीनेम ऐप फोल्डर लाइब्रेरी, ऐप फोल्डर लाइब्रेरी जो अभी हम लोग रीनेम नहीं कर सकते हैं वो भी अब आगे अगले अपडेट पर रीनेम कर पाएंगे। साथ में जो फ्लैश लाइट है उसको लेकर के हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं उसका भी एक स्लाइडर आने वाला है, जो स्लाइडर कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पर सोर्स अलर्ट का ऑप्शन अलग से सेपरेट दिखने को मिलेगा। तो ये कुछ लीक्स अलग से निकल कर आ रही हैं जो कि वेबो पर शेयर की गई हैं एप्पल हब के द्वारा, यहाँ पर ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और ये जो लीक्स है कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, 5 जून तक का हम लोगों को इंतजार करना है, उसके बाद बीटा अपडेट एप्पल की तरफ से iOS 17 का निकल कर आ जाएगा और उसमें हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई एप्पल लीक्स के बारे में, कुछ और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।